अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज मोहम्मद अब्दुल्ला खालिद और इस वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान में मौजूद तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के बारे में। हम बात करेंगे उनके लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट की, उनके नंबर ऑफ सीट्स की और उनके फीस स्ट्रक्चर की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नो दैट कि ये हमारी इस सीरीज की आखिरी वीडियो है। ये सीरीज हमने स्टार्ट की विद पंजाब पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, फिर पंजाब के प्राइवेट कॉलेजेस, इस्लामाबाद के प्राइवेट कॉलेजेस, केपीके के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस, एजेके के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस और सिंध के तमाम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस की तमाम डिटेल अभी तक हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इन एडिशन हमने आर्मी मेडिकल कॉलेज और नम्स के तमाम प्राइवेट कॉलेजेस की डिटेल भी आपके साथ थ्रू दीज वीडियोज शेयर कर दी। आज अगर बलोचिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन बलोचिस्तान देर आर फोर मेडिकल कॉलेजेस: बलान मेडिकल कॉलेज कोयटा, झलावा मेडिकल कॉलेज खुजदार, लोरालाई मेडिकल कॉलेज लोरालाई और मकरान मेडिकल कॉलेज तुर्बत। नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो बलान मेडिकल कॉलेज में 320 MBBS की सीट्स, झलावा मेडिकल कॉलेज में 50, लोरालाई मेडिकल कॉलेज में 50 और मकरान मेडिकल कॉलेज में भी 50 MBBS की सीट स्टूडेंट्स को हर साल ऑफर की जाती हैं। फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इनकी जो पर एनम फी है वो तकरीबन 25,000 के करीब है और इन टोटल जो पूरी डिग्री है वो तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख के दरमियान आपको कॉस्ट करती है। बात डेंटल कॉलेजेस की जाए तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कोयटा में सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर का डेंटल कॉलेज है जिसका नाम डेंटल सेक्शन बलान मेडिकल कॉलेज कोयटा है और इसमें जो BDS की सीट्स ऑफर की जाती हैं उनकी तादाद 54 है। फी स्ट्रक्चर इसका भी मेडिकल कॉलेजेस के बराबर ही है, 25,000 रुपये इसकी पर एनम फी है और तकरीबन 1.25 लाख के करीब आपको कंप्लीट डिग्री की जो कॉस्ट है वो पड़ती है। क्लोजिंग मेरिट्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल से जिस तरह से सिंध में और आज़ाद कश्मीर में डोमिसाइल बेस्ड यानी कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड आपकी मेरिट लिस्ट होती हैं तो बलोचिस्तान में भी कुछ इस तरह की सिचुएशन देखने में मिली। अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ लास्ट ईयर की जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट थी MBBS के लिए फ्रॉम बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा। क्योंकि हम क्लोजिंग मेरिट की बात कर रहे हैं तो इसे हम बॉटम से स्टार्ट कर लेते हैं जो कि हमें क्लोजिंग मेरिट्स बताता है। तो इसमें भी क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे मेरिट्स बनते हैं तो जो लीस्ट मेरिट देखा जा रहा है वो माइनॉरिटी कैटेगरी बी का है जो कि 69.10% है। इसके बाद अगर बात की जाए तो चागी डिस्ट्रिक्ट जो है उसका जो क्लोजिंग मेरिट है वो 69.86 है। लसबेला डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो उसका क्लोजिंग मेरिट 74.62% है, जबकि सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो उसका क्लोजिंग मेरिट 74.44% है। इस तरह से आप ये तमाम शीट जो है उसे गो थ्रू कर सकते हैं। इस साइड पे आपके डिस्ट्रिक्ट या कैटेगरी लिखी है उस पर्टिकुलर सीट की और यहाँ पे उसका क्लोजिंग मेरिट है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इस PDF का लिंक दे देता हूँ ताकि आप इसे डाउनलोड कर लें और इसे अच्छे तरीके से गो थ्रू कर सकें। बात BDS की जाए तो जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट थी लास्ट ईयर की उसका जो क्लोजिंग मेरिट था वो लसबेला डिस्ट्रिक्ट का था जो कि 72.56% था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 73.41%, 75.78%, गवादर डिस्ट्रिक्ट का जो क्लोजिंग मेरिट था वो 76.19% था। ये लिस्ट भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूं, आप वहां से डाउनलोड करके इसे अच्छी तरह से रिव्यू कर लें ताकि आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट के हवाले से वो आंसर हो सके। अब अगर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज की जो कि बलोचिस्तान में मौजूद है तो वो सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट नम्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंडर आता है तो इसकी तमाम डिटेल हमने अपनी इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपने अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो देख लें ताकि आपको केम्स के बारे में मालूमात मिल सके। इन द एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर MBBS और BDS एडमिशंस 2022। थैंक यू वेरी मच।